कोरोना वायरस से निपटने के लिए DRDO द्वारा 2DG दवा तैयार की गई है। इस दवा की 10,000 डोज का पहला बैच आज या कल में मिलने की उम्मीद है। इसके उत्पाद को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। DRDO के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई दवाई को आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी गई है, जो कोरोना वायरस से लड़ने में काफी सहायक है। DRDO के अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में दवा के इस्तेमाल के लिए उत्पादनकर्ता दवा के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। ये दवा DRDO को वैज्ञानिकों की एक टीम ने बनाई है, जिसमें इसकी अनंत नारायण भट्ट भी शामिल थे। बता दें कि भारत की औषधि महानियंत्रक DCGI ने 8 मई को DRDO द्वारा विकसित कोविड रोधी दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। मुंह के जरिए ली जाने वाली इस दवा को कोरोना वायरस के माध्यम से गंभीर लक्षण मरीजों के इलाज में इस्तेमाल करने की अनुमति सहायक पद्धति के रूप में दी गई है। मंत्रालय ने बताया है कि चिकित्सीय परीक्षण में सामने आया है कि 2-DOG 2DG दवा अस्पताल में भर्ती मरीजों के जल्द ठीक होने से मदद करने के साथ साथ अतिरिक्त ऑक्सीजन की निर्भरता को भी कम करती है। ऐसे ली जाती है दवा। 2DG दवा पाउडर के रूप में पैकेट में आती है। इसे पानी में घोलकर पीना होता है। दवा के असर की बात की जाए तो जिन लक्षण वाले मरीजों का 2DG से इलाज किया गया है, वो मानक इलाज प्रक्रिया से पहले ठीक हुए हैं। कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।